है आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप MX Player में PIP मोड का यूज कैसे करेंगे और PIP मोड होता क्या है, वर्क कैसे करता है। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर लास्ट तक यहां पर आपको इस PIP मोड का वर्क क्या होता है। जैसे कि आप कभी वीडियो वगैरह देखते हैं और वीडियो देखने के साथ साथ आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है वो बैकग्राउंड प्ले में चले, और आपको क्या होता है सिर्फ ऑडियो की सुनने की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको अगर जैसे ऑडियो में आपका वर्क नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में नहीं चल रहा है आपका वीडियो ऑडियो के लिए सिर्फ, तो आपको क्या करना होता है कि आपको वीडियो प्ले करके रख देना होता है, और साथ साथ आपको स्क्रीन भी ऑन रहती है, उसमें साथ बैटरी भी अब जल्दी डाउन होती है। लेकिन आपको सिर्फ ऑडियो सुनने की जरूरत है तो आप उसके लिए पूरा आपको मोबाइल स्क्रीन ऑन रखनी पड़ती है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो है वो बैकग्राउंड में चले और आपकी बैटरी भी सेव रहे और आप सिर्फ ऑडियो ही सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए PIP मोड का यूज करते हैं। तो इसको कैसे आप एक्टिवेट करेंगे और कैसे यूज करेंगे तो आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको MX Player जो आपका है उसको अपडेट कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नए आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर जो बेल आ रही है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊँगा कि यहाँ पर यह वर्क करता है नहीं करता है, कि आप किस तरह से यहाँ पर PIP का मोड यूज करके आप उसे वीडियो को अपने बैकग्राउंड में चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और जहाँ पर आपका MX Player है उसको आपको ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के लिए आपको मैं MX Player यहाँ दिख रहा है आइकन, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको MX Player खुल जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आपके जो भी हैं फोल्डर उसको दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर ऊपर राइट साइड में यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहे हैं राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपको थ्री लाइन दिख रही हैं फोल्डर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर लोकल प्लेयर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जो आपको दिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सेटिंग दिख रही हैं, लेकिन आपको सेकंड वाली प्लेयर सेटिंग में जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है। और इसके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और स्क्रॉल करते रहना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन जो आएगा आपको इस ऑप्शन पर आ जाना है। इस ऑप्शन पर आने के बाद जो आपको बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड प्ले ऑडियो का ऑप्शन मिला है। अगर आप सिर्फ यहाँ पर ऑडियो बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, नहीं चाहते हैं तो हटा देना है। लेकिन जब आप चाहते हैं वीडियो और आपके ऑडियो दोनों यहाँ पर जो आपकी बैकग्राउंड स्क्रीन पर चलें, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ PIP मोड है जो जिसके बारे में बता रहा था, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दोनों मोड दिखाई दे रहे हैं, प्ले वीडियो और यहाँ पर आपका ऑडियो इन बैकग्राउंड। तो यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो दोनों बैकग्राउंड में चला सकते हैं, और नीचे जो है प्ले वीडियो ऑडियो इन PIP मोड, तो जो इसके ही अंडर में दोनों आते हैं। बट जब आप अपना वीडियो यहाँ पर चलाना चाहते हैं कि आपको स्क्रीन लॉक हो जाए तब चले, तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार बैक आना है। बैक आने के बाद आपको कोई भी एक वीडियो चला लेना है जो भी आप चाहते हैं चलाना, तो उसको जैसे मैं एक वीडियो प्ले कर लेता हूँ और इस तरह से यहाँ पर वीडियो चला लिया है, तो मैं इस समय ये वीडियो चल रहा है तो मैं इसको स्क्रीन लॉक करता हूँ। तो यहाँ पर स्क्रीन लॉक कर दिया है, आपको देखो ऑडियो सुनाई दे रहा हो, स्क्रीन बंद है फिर भी यहाँ पर वीडियो चल रहा है, तो जिसका ऑडियो आ रहा है तो आप देखेंगे। तो इस तरह से आपको आवाज़ आएगी, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन फिर से यहाँ पर क्लिक करनी है और आपको यहाँ पर जो आपका वीडियो है वो आपको चलते हुए यहाँ पर दिख रहा है। तो ये लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर क्लिक करना है और आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो वीडियो चल रहा है। फिर आप उसके बाद अपनी स्क्रीन डायरेक्टली खोल सकते हैं और आप मेन वीडियो प्लेयर पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रोक लेता हूँ और यहाँ पर इसको बैक कर देता हूँ। तो इस तरह से ये वीडियो अभी चल रहा था, तो आपने इसके स्क्रीन पर भी देखा, यही वीडियो आपने मैंने अभी जब स्क्रीन लॉक की
तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड में चल रहा था। तो यहाँ पर आप इस तरह से ही अपना कोई भी वीडियो यहाँ पर जो आप स्क्रीन लॉक करने के बाद भी आप उसका ऑडियो सुन सकते हैं। आप उसको वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो लॉक वाला है आपका स्क्रीन लॉक करता है तो उसको फिर से दबा देना है और आपका वो वीडियो भी आपको वहाँ देखेगा। सिर्फ ऑडियो चाहते तो एक बार दबा दीजिए तो वहाँ पर आपको सिर्फ ऑडियो सुनाई देता रहेगा। तो कुछ इस तरह से ही आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जो PIP का ऑप्शन दिया गया है, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको देखा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया कि आपने किस तरह से यहाँ पर अपने जो वीडियो को है बैकग्राउंड में चलाया और साथ साथ आपने उसका ऑडियो भी सुना। लेकिन यहाँ पर MX Player में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि MX Player में यहाँ पर ऑडियो बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन पहले से था लेकिन वीडियो बैकग्राउंड प्ले का ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि अपना वीडियो को भी बैकग्राउंड में कैसे प्ले करें, सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते थे उसका कैसे सुने। क्या होता है कभी कभी जब वहाँ पर आप जब वीडियो वगैरह सुनते हैं तो सिर्फ उसमें आपको वीडियो ही मिलता है, उसका ऑडियो नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको सिर्फ ऑडियो सुनना चाहते हैं और उसको बैकग्राउंड में चाहते हैं कि बैकग्राउंड चले और जिसकी वजह से आपकी बैटरी सेव रहे। तो इस वीडियो में यही बताया गया है आपको। और इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।